नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान रियासत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के सबक गवर्नर अजीज कुरैशी ने कहा, AIMIM बीजेपी की बी टीम है, वह सर्कुलर पार्टी नहीं। ओवैसी हर वो काम करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। उनका धर्म, उनकी मान्यताएं सब मिट जाएं, वो उसका हिस्सा वो है, बनाने का। इससे बड़ा अन्याय नहीं होगा कहीं। संविधान के साथ बलात्कार किया है उन्होंने, मुसलमानों को अलग करके उससे बलात्कार किया है। संविधान वापस होना चाहिए उसको। जिस तरीके से किसानों का देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं इस कानून को वापस ले लूँ, किसानों को उसको विश्वास नहीं है कि किसको तो लिखत में वापस। विश्वास कायम किया ना उन्होंने, 10-15 लाख रुपये, 10 करोड़ रोजगार, 5% की इकोनॉमी है, 4.4% दर है विकास दर आपका, बकबले में एक हो गया नंबर आपका 51 से। और क्या पूरा किया आज तक उन्होंने बताइए मुझे। किसान अभी वही करा कि जो खर्चा है वो अभी करेंगे। क्या 2022 में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन होगा? होना चाहिए, मेरी कोशिश तो होना चाहिए। मतलब ये आप करेंगे समाजवाद, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसी देख रहा हूँ। मतलब पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनका नहीं, बाकी और पार्टी का भी, जितनी पार्टी जितनी सोलर पार्टी है। मतलब यूपी चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, पार्लियामेंट के चुनाव में सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक पार्टी ऐसी है, अल्टरनेटिव जो है नेशनल पार्टी की पार्टी। पार्लियामेंट का चुनाव रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती। केंद्र सरकार को बदलने के लिए आप चाहे इंडियन की पार्टी हो, यूपी की, बंगाल की, वो नहीं कर सकते। आरएनडी जो पार्टी है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। लेकिन 2000 सबको मिलकर जब कांग्रेस सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन 2017 में कांग्रेस और सपा का साथ जनता को पसंद नहीं आया था, क्या इस बार भी जनता साथ थी कि कुछ? उस बार खाली जनता का दो पार्टी का साथ था वो आगे। मैं आज सबकी बात कर रहा हूँ आपसे, तुम्हारा दूसरे थे अपने, जैसे हिंदुत्व का इतना तगड़ा जगह दिया हुआ था उन्होंने, मतलब मोदी जी ने और योगी जी ने, कि हिंदुत्व के नाम पर लोगों ने सब कुछ छोड़ बर्बाद कर दिया। अब वो नहीं है आगे। महात्मा गांधी ने 1920 में कहा था, कि अगर आज के युग में भारत जैसे नंगे भूखे देश में भगवान भी कोई अवतार लेके आना चाहेंगे तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि उन्हें रोटी के रूप में अवतार देना पड़ेगा। देखिए जनता रोटी के अलावा किसी और में भगवान को मंजूर नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। तो रोटी जो है वो धर्म से ज़्यादा पावरफुल, पेट की आग जो है वो आपके हवन की आग तक तेज जल चलती भी जाएगी। अब नहीं चलेगा धर्म का मामला ये। अब लोगों को भूख, बेरोजगारी, बीमारी, दवाएँ, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल बेड जो आप नाकाम प्राइस देने वो चाहिए। मतलब क्या CNRC वापस करने की बात कहेंगे? कौन CNRC की वापस करने की बात कहेंगे? तो कहूँगा पूरी तरह जवाब होना चाहिए अगर सरकार आती है तो केंद्र में। अब तक हम कोशिश करेंगे वापस सरकार, तब भी कोशिश करेंगे। लेकिन